ये भाई हम डॉग एक्सप्रेस पे पहुंच गए और ये हमारा आ गया है पार्सल, जो कि कल ही हमने बुक कराया था और इंशाल्लाह अगले ही दिन ही पहुंच गया। ये है डॉग इंटरप्राइजेस। तो भाई जिसने भी कराना है तो इनसे ही कराया करें। और ये हमारा पार्सल आ चुका है, अभी इसको करेंगे हम ओपन। ये हमारा पार्सल आ गया, चाहिए अभी इसको हम करेंगे अनबॉक्सिंग। अभी आ गए हम घर पे पहुंच गए, अभी आप लोगों को हम ये अनबॉक्स करके दिखाएंगे। तो इंशाल्लाह अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे। सबसे पहले हमारे अहमद भाई लग गए इसको अनबॉक्सिंग करने में। पैकिंग वगैरह मटेरियल तो अभी तो माशाल्लाह अच्छा लग रहा है, अभी देखते हैं इसको ओपन करते हैं। ये है हमारे भाई जबरदस्त, ये है ना भाई 225 केजी एलबीआई, चाहे दो एडल्ट या एक मतलब चाइल्ड, यानी 225 केजी ये वेट कैरी कर सकता है और इसके साथ दो पर्सन और एक चाइल्ड अलावा, यानी एक चाइल्ड बैठ सकता है। और इसका वगैरह का निशान दिया है इस पर, देखते हैं और मज़ीद इसमें क्या है। इस साइड पे ये सारे लगे हुए हैं ना, अच्छा दो सीट भी अलग लगेंगे मेरे ख्याल से, और रस्सी का भी दिया हुआ है बैंड सेफ्टी के लिए इनको दिया हुआ है, और सीट्स वगैरह वेट का भी निशान तो इन्होंने दिखाया हुआ है। इसके अलावा इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं। अनबॉक्स किया इसको, ये मेरे से पंप है, ये इसका पंप है। ले ये हमारी काम की चीज़ निकली सबसे पहले। अरे भाई ये काम आपका है ना, वहाँ बैठ गया ना चप्पू मारने का, तो ऐसी बातें करना पड़ता है। सही है, चप्पू मारना तुम्हारा काम है भाई, मैं चप्पू वप्पू नहीं मारूंगा बता रहा हूँ भाई। आगे देखते हैं इसमें और क्या है। और इसमें देखते हैं क्या चीज है, क्या है भाई। चलो मैं चाह रहा हूँ, ये बुक को क्या दिया हुआ है, सही है ना। अच्छा ये क्या चीज है, चलो देखते हैं। ये इसके बारे में लिखा हुआ है सारी स्कैरी। चलो ये देखते हैं, बाहर निकाल देते हैं। वेट में माशाल्लाह थोड़ा वेट है, भारी है फिर भाई। चल मेरा भाई इसको कहते हैं ना चीज। ये देखें लंबाई, देखें इसकी ये, ये भाई रस्सी इसका, ये जो साइडों में से रस्सी डालते हैं ना, ये रस्सी इसके अंदर से निकला। ये हमारे सीट्स हैं जो बैठते हैं ना, ये वाले ये सीट्स हैं, दो सीट होते हैं इसमें, एक ये सीट है और ये एक सीट ये है, इस पर हम आराम से बैठ सकते हैं।
ये है मेरा भाई, देख सकते हैं आप लोग, ये चीज निकला है मेरा भाई। अब इसमें हवा वगैरह भरते हैं, सही है। ये आपको दिखाते हैं इसका, ये नोजल अहमद भाई ने उठा लिया। नोजल लगा दिया, ये हो गई पंपिंग स्टार्ट। यार मेरे भाई एक बार सवाल का जवाब दीजिए, कब भरेगा? कम से कम 15 मिनट्स। ये हट गया है माशाल्लाह, अच्छा खासा फिल हो गया। ये देखें, अमन भाई वो अभी दो नोजल रह गए, अंदर वाले नोजल को पंप करें थोड़ा सा। पोजीशन का भी पता चल जाएगा। नहीं फुल टाइट नहीं करेंगे, इसको हल्का सा छोड़ देंगे, बाकी वो दो जो नोजल है उनको फुल करें। अब सेकंड नोजल पे ये फिल हो गया ऑलमोस्ट। अब सेकंड नोजल पे हम आ गए हैं, जो कि ये अंदर वाला साइड है, ये आप देख रहे हो वाइट जो कलर आपको दिख रहा होगा, राइट, ये वाला साइड है अंदर। इसके बाद जो थर्ड नोजल आ जाएगा वो है ये वाला। इसका नोजल निकालने के बाद डारे की याद रखना है, इसका ये सेफ्टी वाले लॉक है, इसको आप प्रेस कर दें। हालांकि इसको प्रेस नहीं करेंगे अब नहीं निकलेगा, फिर भी सेफ्टी सेफ्टी होता है मेरे भाई। सही है, अब आते हैं हम टर्न नोजल की तरफ। पहला असल में ये एक नंबर जो लिखा हुआ है, हाँ पास इसे हवा भरना था, सेकंड इसे, चार जैसे, लेकिन हमने उल्टा स्टार्ट किया था तो इसी वजह से। अब बारी है हमारी चेयरों की। इसके लिए Thank you.
ये हो गए हमारे दोनों चेयर्स रेडी, एक चेयर आ गया, ये दूसरा चेयर आ गया। अब सही है, ये हो गया कंप्लीट, मगर अभी बारी है सेफ्टी की। अहमद भाई ये लगाने सेफ्टी के ऊपर, क्योंकि साइडों में से सेफ्टी के लिए, अगर अल्लाह ना खास्ते कभी आप कोई बंदा स्लिप हो जाए तो ये सेफ्टी के लिए दिए जाते हैं, इजीली बंदा उठ सके। ये बांध देंगे, आपको दिखाएंगे। आप इनको इस जगह पे भी बांध सकते हैं, से वो आपके ऊपर उगता है। ये यहाँ से पकड़ के कैरी करने में के लिए उन्होंने दिया हुआ है, इजीली कैरी किया जा सकता है। ये देखें भाई, अब बारी आ गई है अहमद भाई की टूल्स की। चलो इनकी भी इंस्ट्रक्शन देखें, ये आपको इस पर गाइड कर देते हैं कि किस तरीके से आपने इनको लॉक करना है। सही है, ये लॉक का सारा सिस्टम दिया हुआ है कि आपने इनको किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से फिट करना है, वो सारा दिया हुआ है। ठीक है, ये देखें अहमद भाई को। जाम का इसको जाम कर लिया, या ये इसलिए दिया जाता है ताकि हम चप्पू मारते हुए, ये दिया जाता है। देखें इससे ये होगा ना कि आपने अगर इसको चप्पू को छोड़ भी देंगे ना, ये गिरेगा नहीं, ये आपके ऊपर है सेटिंग। इसको कितना करिए दूर करना है, कितना आगे करना है, वो आपकी सेटिंग होती है। सही है, जिसका इसको ऊपर अप डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा इसको यहाँ पे लगा सकते हैं साइड में, इस तरीके से लगा। जब फिशिंग करने लग जाते हैं तो इस तरीके से उसको ऊपर के छोड़ देते हैं। जाहिर सी बात है अंदर सामान वगैरह होगी तो यहाँ इसको एंगल करने की जगह है, इसकी यहाँ इसको आप हुक कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड को बनाते हैं और उसको इस साइड पे लगा देते हैं। ठीक आ रही है, दूसरे लगा रहे हैं मध्य, ये इसका बीच का सेंटर का सॉकेट है।
भाई दूसरी साइड के किधर है ये? ये थोड़ा रपड़े नहीं, मुझे सिर्फ सिर्फ बायोस बेहतरीन बेहतरीन प्रोडक्ट है। मुझे सिर्फ एक चीज़ का ज़रा अफसोस हुआ कि उन्होंने रिपेयर जो पंच है, ये रिपेयर पंच है, उन्होंने सिर्फ या कंपनी वालों ने बाय मिस्टेक या उन्होंने सिर्फ एक रिपेयर पंच डाला इसके अंदर, जबकि इसके अंदर कम से कम 2 से 3 दर्जन रिपेयर पंच होने चाहिए। उन्होंने रिपेयर पंच एक डाले, लेकिन इतनी जल्दी ये पंचर नहीं हुआ क्योंकि बहुत क्वालिटी की चीज़ है जिसके ऊपर इसकी इतनी तो होती नहीं है, मगर फिर भी सेफ्टी तो सेफ्टी है मेरा भाई, सेफ्टी होनी चाहिए। रिपेयर पंच उनको एक नहीं इसमें अंदर डालना चाहिए था। तो ये है हमारा प्रोडक्ट, देख लें, ये इनफिटेबल बोर्ड हमारा रेडी हो चुका है। सही है, ये देखें। अब इंशाल्लाह अभी फ़िशिंग की तरफ जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको इसको चला के भी दिखाएंगे और इसके ऊपर फ़िशिंग करके भी दिखाएंगे।